For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. सलमान खान और आलिया भट्ट की मच अवेटेड फिल्म इंशाअल्लाह अब नहीं बनने वाली है। वेल फ्रेंड, मैं हूं मनीषा तिवारी और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। बात करें अगर संजय लीला भंसाली की प्रोडक्शन हाउस में बनने वाली फिल्म इंशाअल्लाह की, जिसमें सलमान खान के साथ साथ आलिया भट्ट भी नजर आने वाली थी, वो फिल्म अब नहीं बनने वाली। सलमान खान ने अपने ट्विटर अकाउंट पे एक ट्वीट किया था जिसमें लिखा था, द फिल्म विद संजय लीला भंसाली इज पोस्ट बट आई विल स्टिल सी यू ऑल ऑन ईट 2020 इंशाल्लाह। जिससे साफ साफ पता चल रहा था कि ये फिल्म भले ही ईद के मौके पे नहीं आने वाली है, लेकिन आगे जरूर आएगी। लेकिन अब संजय लीला भंसाली के प्रोडक्शन हाउस से एक ट्वीट किया गया है जिसमें लिखा है, भंसाली प्रोडक्शन हैज डिसाइडेड टू नॉट गो अहेड विद इंशाअल्लाह फॉर नाउ, फर्दर अनाउंसमेंट विल बी आउट सून गॉड विलिंग। जिससे साफ साफ पता चल रहा है कि अब ये फिल्म इंशाअल्लाह है वो नहीं बनाया जाएगा और इसका डिब्बा बंद कर दिया गया। अब सवाल लोगों के बीच में ये पैदा होता है कि आखिर क्या वजह हो सकती है कि ये फिल्म का ही डिब्बा बंद कर दिया गया है। तो सोर्सेज से हमें पता चला है कि संजय लीला भंसाली और सलमान खान के बीच काफी ज्यादा ईगो इशू है, इस वजह से इस फिल्म का डिब्बा बंद कर दिया गया है। तो वही सलमान खान ने वापस एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मेरे बारे में इतना मत सोचना, मैं दिल में आता हूँ और ईद पे भी। जिससे साफ साफ पता चल रहा है कि भले वो इंशाअल्लाह के साथ नहीं, लेकिन किक 2 लेकर आने वाले हैं। वेल, आपको क्या लगता है ये हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।